नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स से अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं दोस्तों। देखिए ये एक सीरीज है, इस सीरीज में हम अब तक बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके थे और 2022 इस बोर्ड एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी एक सीरीज है दोस्तों। ये इस सीरीज में का यह 7वां क्वेश्चन है। इसके पहले 6 क्वेश्चन हमने देखे हैं मैथमेटिक पार्ट 1 के इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहले वाले सभी क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारी बार बोर्ड एग्जाम को आ चुका है, इसलिए ये टाइम भी ये प्रकार का क्वेश्चन जो है आ सकता है। देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन पॉसिबल है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस टाइप का आ सकता है। इसमें के नंबर आंकड़े बदल जाएंगे लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ओके, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक टाइप के दो दो एग्जाम तो मिनिमम देखने का प्रयास करूंगा, बिकॉज आपकी बहुत ही अच्छी तरह से रिविजन हो जाए। तो यहाँ क्या कर रहा है, देखो क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में का ही क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ निगेटिव 8x माइनस 3 माइनस 4 इज 26। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी जो वैल्यू है हमारे पास दी है निगेटिव 26, तो इस हिसाब से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या है, निगेटिव 8x है, ये माइनस 3 और ये माइनस 4 है, इज इक्वल टू निगेटिव 26। तो अभी मैं क्या करता हूँ ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, निगेटिव 8 और निगेटिव 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है मेरे को पहले। ओके, तो निगेटिव 8 इंटू निगेटिव 4 दोनों का मल्टीप्लाई किया मैं, और उसके बाद माइनस का साइन देके ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, निगेटिव 3 इंटू ये एक्स और इज इक्वल टू मेरे पास 26 है। ओके, ये ध्यान में आया होगा आपके, तो ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है, खाली निगेटिव 8 इंटू निगेटिव 4 माइनस, बीच में माइनस का साइन रहता है, और उसके बाद निगेटिव 3 इंटू एक्स है इज इक्वल टू मेरा निगेटिव 26। ओके, अभी क्या होगा, 8 फोर जा कितना आता है, 8 फोर जा 32, तो मैं 32 लिखूंगा, माइनस माइनस गया, ये माइनस माइनस प्लस आया, 3 इंटू एक्स 3x आ गया इज इक्वल टू निगेटिव 26। मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो ये निगेटिव 32 यहाँ प्लस है, दूसरे बाजू में गया माइनस, तो 3x इज इक्वल टू निगेटिव 26 माइनस 32। अभी 3x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, 6 प्लस 2 जो है वो 6 प्लस 2 मेरे पास 8 हो गया, 2 प्लस 3 58 हो गया, वो है माइनस निगेटिव 58 हो गया। तो x इज इक्वल टू निगेटिव 58, ये 3 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, तो x की वैल्यू निगेटिव 58 अपॉन 3 आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। ओके, अभी इसी टाइप का मैं और एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करना। तो पहले मैं यहाँ एम वन लिखूंगा, 1 और माइनस 2, इसकी वैल्यू डायरेक्टली निगेटिव 3 दी है, और अभी मुझे m की वैल्यू निकालनी, जैसे यहां मैंने x की वैल्यू निकाली उसी तरह से ये बाजू में मैं m की वैल्यू निकालूंगा। तो अभी क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले m इंटू निगेटिव 2, ओके m इंटू निगेटिव 2 और माइनस करके 1 इंटू 1 लिखूंगा, 1 इंटू 1 और इज इक्वल टू ये अपने निगेटिव 3, ठीक है। m इंटू माइनस 2, माइनस 2 है इसलिए माइनस 2m, माइनस 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू निगेटिव 3। मुझे m की वैल्यू निकालनी, तो मैं 2m भाई साहब को यहाँ ही रखूंगा, ओके माइनस 1 है, राइट साइड में गए प्लस 1 हो गए, माइनस 3 प्लस 1, माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 गया 2 रह गया और ये बड़े नंबर का साइन माइनस हो गया। मुझे तो m की वैल्यू निकालनी, तो m भाई साहब अपने जगह पे, ये माइनस 2 अपने जगह पे, ये माइनस 2 मल्टीप्लाई दूसरे बाजू में गया डिवाइडेड बाय माइनस 2 हो गया, तो m इज इक्वल टू 2 1 2, तो 1 आ गया मेरे पास, m की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा बाजू में होता हूँ, तो ये दो क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं, दो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों भी। तो ये 7वां क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज आप लेके रखिए, आप अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर लीजिए। ओके, तो देखिए सेमी इंग्लिश के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चालू है। मराठी मीडियम के बच्चों के लिए भी हमने ऑलरेडी हमारे क्रिएटिव मैथ्स मराठी चैनल पे सीरीज चालू की है। देखिए अगर मराठी मीडियम को हो या इंग्लिश मीडियम को, आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, उसके वीडियो हमने एक वेबसाइट पर अपलोड करना शुरू किया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पर आप क्लिक करने के बाद आपको मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दो ऑप्शन आएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में जाते हो तो सभी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। अब तक 7वां जो क्वेश्चन चालू है
तो 7 नंबर के क्वेश्चन तक के क्वेश्चन आपको उस वेबसाइट पर दिखेंगे। जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे हर रोज़, उसी तरह से इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर वह वीडियो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो जो है तो वह ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएगा। ओके, तो मैं तो रुकता हूँ लेकिन आप रुकिए मत, आप अभी के अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ओके दोस्तों, बाय, सबको हैव अ नाइस डे।